क्यों नहीं लोग? मैं नहीं बताऊंगा। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कारीगरों के कारनामों के बारे में। बहुत दिनों से हमने कारीगरों पे वीडियो नहीं बनाई थी, जिसके चक्कर में हमारे व्यू डाउन हो गए। तो ये तुम्हारा समस्या है। और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना यार कारीगरों पे फिर से वीडियो बनाई जाए। तो हाजिर आपके सामने कारीगरों के नए कारनामे भाई। हमें तो मिस्त्री ने लूटा, लेबर में कहां दम था। हमें तो मिस्त्री ने लूटा, लेबर में कहां दम था। सिमट ने दिया धोखा, ईंटों में नमक ही। यार दोस्तों, अगर ये आदमी अगर आज कारीगर नहीं होता ना, तो मतलब बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी की छुट्टी होने वाली थी। क्योंकि आप भाई का एक्टिंग लेवल देख सकते हो किस लेवल का है। मतलब पूरा कैरेक्टर में है भाई। दोस्तों आपने बहुत महंगे महंगे रोड़े देखी होगी जिसकी कंडीशन होती है A1, जिसमें मतलब कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पानी की जैसे गाड़ी चल रही। पर हमारी इंडिया में भी है कुछ ऐसा जिसके अंदर पानी की जैसे गाड़ी नहीं चलती, बस उस रोड को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा नहीं कि मतलब पानी का इस्तेमाल किया गया, बस पानी का ही इस्तेमाल किया गया है बस। भाई कौन सी सड़क है ये? मतलब मिट्टी तो ठीक है, इसको रोड रोल से इतना घस दिया गया है कि भैया पापड़ लग रहा है। तुम्हें बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला। यार नॉर्मली अगर दीवार टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग की जाती है, उसको वापस तोड़ा जाता है और उसको वापस प्लास्टर कर दिया जाता है। पर हमारे जो ऑनलाइन पड़े हुए कारीगर है ना, वो भाई इतना कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनको बड़ी ही आसानी से वो काम कर लेते हैं, जैसे कि टाइम भी बच जाए और अच्छा काम भी हो जाए। पर यार ये किस प्रकार का काम है जहाँ आप टेप लगा रहे हो? लगता है भाई इन्होंने ऑनलाइन किताबें जोड़ी है, दीवारें नहीं। सही पकड़े हैं। यार कुछ कारीगर है ना, मतलब कुपोषण का शिकार होते हैं। मतलब यार अगर आप इतनी बड़ी बंदूक चला रहे हो, मतलब बंदूक नहीं है भाई, इससे ज्यादा तो ड्रिल मशीन का वेट है, पर आप इतनी बड़ी ड्रिल मशीन चला रहे हो तो आपके अंदर उतना पावर तो होना चाहिए ना जितनी आपकी ड्रिल मशीन है। और अब ये कर रहा है तो क्या होगा पता तुमको? और चला ली इसने ये ड्रिल मशीन और बन गया ये शक्तिमान। भाई अगर आप भी अपनी कमजोरी का इलाज नहीं कराओगे ना, तो आप भी कुछ ऐसे ही शक्तिमान बन जाओगे थोड़ी देर में। यार इन कारीगरों को इतना टाइम हो गया सीढ़ियाँ बनाते बनाते, पर इन्होंने आज तक कभी अच्छी सीढ़ी नहीं बनाई। मतलब या तो ऐसी सीढ़ी बनाएंगे जिसके अंदर आदमी जा नहीं सकता, और अगर आदमी जा सकता है तो फिर आदमी वापस आ नहीं सकता, और अगर वापस आ जाएगा तो वो फिर से जा नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर जाएगा तो उसकी खोपड़ी जो फट जाएगी। यार दोस्ती हो तो ऐसी, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, वो दोस्त मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मैटर करते हैं ये दोस्त जो कि ऐसी परिस्थितियों में आपके साथ रहे। तू बहुत सही दोस्त। मतलब सपोर्ट करना कोई इनसे सीखे। इनसे सीखे नहीं। ये जो मशीन का ड्राइवर था ना, वो था ठेकेदार से नाराज, और उसने अपनी नाराजगी जाहिर करी कुछ इस प्रकार से। आपने बहुत बार देखा होगा कि यार कारीगर है ना, 2 दिन का काम 10 दिन में करते हैं, पर ऐसा करते क्यों हैं? उसकी कोई वजह तो होगी। उसकी यही वजह है कि भाई इनको शूटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। नहीं मतलब शूटिंग के लिए टाइम मिलता है, पर इनको काम के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये शूटिंग जो करते हैं भाई। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना झुंड में तो लेबर आते हैं। मिस्त्री अकेला ही आता है, क्योंकि ये कारीगर बाद में और टिकटॉक स्टार पहले हैं, और इनकी एक्टिंग तो आप देख करके पागल हो जाओगे, क्योंकि ये खुद ही पागल है। तो हाँ जी दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये नए कारीगरों वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की मजेदार वीडियो आप मिस ना करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा कारीगर आपको ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा कारीगर आपको ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम उसका अगली बार ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टाटा।